दोस्तों सनलाइट हमारे लिए एनर्जी का मेन सोर्स है। सन एक बहुत बड़ा नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां हाइड्रोजन का फ्यूजन हीलियम में होता रहता है और काफी ज्यादा हीट और एनर्जी चारों तरफ निकलती है और उसका कुछ हिस्सा हमारे अर्थ तक भी आता है। और यही सनलाइट का छोटा सा हिस्सा जो हमारे अर्थ पर आता है वो एक घंटे में 174 क्वाड्रिलियन वाट्स के बराबर एनर्जी देता है। तो अगर इसका थोड़ा सा हिस्सा भी हम अगर यूज कर पाएं तो काफ़ी बड़ी बात होगी। प्लांट्स सनलाइट को लीफ के जरिए यूज करती है तो हम ह्यूमंस सोलर सेल्स के जरिए। ये सोलर सेल्स सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसी सोलर सेल्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आशु और आपका मेरे टेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सोलर सेल्स को हम फोटोवोल्टेक या शॉर्ट में पीवी सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसी फोटोवोल्टेक इफेक्ट से सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है। फोटोवोल्टेक इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से सिमिलर ही होता है जो आइंस्टाइन ने खोजा था। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में सनलाइट की एनर्जी पैकेट्स जिसे हम फोटोन कहते हैं वो एटम से इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करके बाहर फेंक देती है। पर फोटोवोल्टेक में इलेक्ट्रॉन अलग तो होता है पर अंदर ही रहता है और मेटल को कंडक्टिव बना देता है। तो यही हमें चाहिए सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। दोस्तों उसके लिए एक सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है और मैक्सिमम सोलर सेल्स में सिलिकन का ही यूज किया जाता है। सिलिकन जो अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है और बालू पत्थर सब में पाया जाता है और फिर लैब में इसे प्योर किया जाता है। सिलिकन का बहुत जगह यूज़ किया जाता है जैसे हमारे कंप्यूटर मोबाइल सब के चिप में। ये सिलिकन सेमीकंडक्टर है यानी कम टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर है और हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर है। पर हमें हाई टेम्परेचर पर बिजली नहीं बनानी, हमें सनलाइट से बनानी है। तो इसके लिए सिलिकन में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है जिसे हम डोपिंग कहते हैं यानी दूसरे चीज़ की मिलावट। एक पार्ट में फॉस्फोरस ऐड किया जाता है जिसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और एक पार्ट में बोरोन जिसमें एक कम इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक पार्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज हो गया जिसे एन जंक्शन कहते हैं और एक पार्ट में कम इलेक्ट्रॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज जिसे पी जंक्शन कहते हैं और दोनों को मिला देने पर पी एन जंक्शन बन जाता है। और जब सनलाइट की फोटोन इस पर पड़ती है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और अगर इसके बाद हम इसमें वायर कनेक्ट कर दें तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वायर्स के जरिए पास होंगे और बीच में अगर बल्ब आता है तो वो ऑन हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन वापस आके उस खाली जगह को भर देंगे। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर का यूज़ करके सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो एक सोलर सेल में एक ग्लास होता है सबसे ऊपर प्रोटेक्शन के लिए, उसके बाद एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर होता है जो मैक्सिमम सनलाइट को अंदर आने देता है और फिर नीचे मेटल ग्रिड होता है वायरिंग के लिए और बीच में सिलिकन का पीएन जंक्शन होता है जिसमें सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये था सोलर सेल्स का स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग की काम कैसे करता है। और दोस्तों एक छोटा सा सोलर सेल्स बस हाफ वोल्ट ही जनरेट करता है यानी ज़्यादा वोल्ट के लिए कई सारे सोलर सेल्स को कनेक्ट किया जाता है जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं और फिर हम कई सोलर पैनल्स को भी ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों ये सोलर सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी डीसी में बनती है तो एक सोलर इन्वर्टर होता है जो इसे एसी में कन्वर्ट करता है और फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि घरों में सोलर पैनल किस किस टाइप से लगती है। तो दोस्तों इसमें मेनली दो टाइप का कनेक्शन होता है, एक होता है ऑन ग्रिड और एक होता है ऑफ ग्रिड। दोस्तों ऑन ग्रिड में आपके घर में सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं और इसकी कनेक्शन आपके घर में दी जाती है और एक कनेक्शन आपके नज़दीकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे। तो इसमें ऐसा होता है कि आप इसमें सोलर सेल से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और अगर आप पूरी एनर्जी यूज़ नहीं कर पाते हैं तो बाकी की इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे चली जाएगी और वहाँ पे आपकी जितनी बिजली पहुँचेगी तो वहाँ पे नोट कर लिया जाएगा कि आपकी कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी उनको मिली। तो उतनी यूनिट की बिजली आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में माफ़ हो जाएगी। इसे ही हम नेट मीटरिंग कहते हैं यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है उसे करें और बाकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को दे दें और फ्री मीटर क्रेडिट पाएं यानी बिजली बिल में बचत होती है। दोस्तों ऑन ग्रिड की कमी यही है कि इसमें अगर ग्रिड से बिजली कट जाएगी तो आपकी सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगी और आप सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके एरिया में बिजली कम जाती है तो आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं और ये सस्ता भी पड़ता है और इसमें मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं होता और लॉन्ग टर्म में आपको पैसे की काफ़ी बचत होगी। अब दोस्तों ऑन ग्रिड के बाद आता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। दोस्तों ऑफ ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं होता बल्कि आपके घर में ही बैटरीज लगा दी जाती है ताकि जो एनर्जी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो बैटरी में स्टोर हो जाएगी ताकि जब बिजली चली जाए तो आप बैटरी से बिजली यूज कर पाए। ये सिस्टम उस एरिया के लिए ज़्यादा अच्छा है जहाँ पावर कट बहुत होता है क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर तो पावर कट होने पे काम ही नहीं करता, तो ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन है इसका। पर दोस्तों बैटरी काफ़ी महंगी होती है और लाइफ भी इसकी शॉर्ट होती है। इसका मतलब ये है कि खर्चा काफ़ी ज़्यादा होगा इन चीज़ों को मेंटेनेंस करने में, तो चांसेस कम है कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो सके कभी।
इसके बाद एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम भी आता है जो बैटरी से भी कनेक्टेड होता है और पावर ग्रिड से भी कनेक्टेड होता है। तो ये सबसे बेस्ट है पर सबसे महंगा भी होता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव में और लॉन्ग टर्म में सेविंग के लिए ऑन ग्रिड ही सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, और अगर पावर कट बहुत ज़्यादा होता है तभी ऑफ ग्रिड लें। और दोस्तों वैसे तो सनलाइट हर जगह तेज नहीं होती, पर इंडिया में सनलाइट काफ़ी स्ट्रांग होती है तो सोलर पैनल के लिए परफेक्ट है इंडिया। और टाइम के साथ साथ सोलर पैनल की कॉस्ट भी नीचे आ रही है और गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, तो सोलर पैनल का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि यह एनर्जी का क्लीन सोर्स है, कोई पोल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल फ्री एनर्जी आ रही है सन से। और पैनल्स में पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन जैसे पैनल्स होते हैं और थिन फिल्म सोलर जैसे भी पैनल्स होते हैं, और कई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है बाज़ार में जो काफ़ी थिन होते हैं और कई जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सोलर एनर्जी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सोलर पैनल के बारे में वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।